हो बिहार सरकार, धन है आपका भ्रष्टाचार। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। ये अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है और ये पहली बार नहीं हुई। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे और हमने इस पे सवाल उठाए थे। आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईटी रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी जब हम नेता विरोधी दल थे तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो स्ट्रक्चरल हो सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट में अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडर स्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा और आईआईटी रुड़की वाज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट टू ट्राई टू कम अप विद टेक्निकल रीजन फॉर दिस इंसिडेंट। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन इसको आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल सिस्टम एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस दिस वुड बी अ थ्रू डिजाइन चेक ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर ड्यू डिलीजेंस हैज बीन डन इन दिस एरिया। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन था खासतौर पे जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा और हमने यहाँ जवाब में भी दो पर आप देखिएगा विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे।